सच कह रहा हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं जेल चला गया तो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो। मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता। भागने से कोई फायदा नहीं होगा, अपने लिए एक अच्छा सा वकील कर लो, कानून ही तुम्हें बचा सकता है। कानून ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। शांत हो जाओ। सर मेरी बात सुनिए, जरा मुझे देखिए, आपको लगता है कि अगर मैंने गुनाह किए होते तो बोगाटो आता मैं? तुम मेरे साथ चलो। मेरा यकीन कीजिए। बोलो ना, चलो। जैसा आप कहिए। उसे पकड़ो, वो भाग रहा है। जूलियन, जूलियन रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ, अभी तुम्हारे पास वक्त है। से बच के निकल गया। मुझे कैसे भी वो चाहिए, अगर वो मर गया तो मुझे उसकी बॉडी देखनी है। ठीक है चलो। ठीक है चलो। मुझे कुछ पूछना है लेफ्टिनेंट। पूछो। आपका निशाना कभी नहीं चूकता, आपने जानबूझकर उसे जाने दिया ना। चलो चलो। क्या वो मेरी बोली लगाएंगे? हाँ, और मुझे तुम्हें कल सुबह तैयार करना होगा, मेकअप लगाकर। अगर बॉस जीत गए तो तुम बच जाओगी, नहीं तो उस घटिया नजरीन के साथ तुम्हें जाना होगा। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही घटिया इंसान है। तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। कोयोटे मेरी मदद करो। मेरे कहाँ ना, मैं नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मेरी मदद करो, तुम इस फार्म को अच्छे से जानती हो, प्लीज मेरी मदद करो। क्या कर रहे लिए कोयोटे? क्या आप लोग साथ में कॉफी पिए क्या? हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, जाओ अब जल्दी आ, बहुत सारे इंतजार कर रहे ले। ठीक है मैं तैयार हूँ। कमांडर ने कहा था कि पार्टी के लिए लड़कियां इसी जगह मिलेंगी।
उम्मीद है यही वो जगह हो। तो अब क्या करें? एक काम करो, यहीं बैठ जाओ, मैं देखता हूँ यहाँ आसपास कौन है। ठीक है। हेलो, कहिए क्या मदद करूँ? क्या आपको कमरा चाहिए? मुझे अग्वारा जाना है। तुम कौन हो? मैं रूबेरो की दोस्त हूँ और उसी ने मुझे पार्टी के लिए यहाँ पर बुलाया है। वो लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए सुबह सुबह इकट्ठा करता है, जानती हूँ। सुबह इकट्ठा करता है तो मैं गलत टाइम पर आ गई, तो मुझे एक कमरा लेना पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ ठीक है। ओ हाँ, आपकी चाबी, माफ कीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो डार्लिंग? बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। ओके, मैं हूँ डेली रियोस, और तुम? कार्लोस। तो बताओ तुम क्या कर रहे हो कार्लोस? बोलो ना, क्या कर रहे हो? बताए ना, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा, तुम पी नहीं रहे हो? नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ है। क्यों, तेरे को पीना है? नहीं, पर क्योंकि वो लोग आए नहीं हैं तो एक ड्रिंक ले सकती हूँ। क्या मतलब? तुम्हें कौन लेने आ रहा है? मुझे अगौड़ा की पार्टी में जाना है इसलिए। अच्छा, ये बात है। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? मैं तुम्हें जरूर ले जाती, पर नहीं ले जा सकती। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, क्यों ना हम थोड़े से मजे कर लें, क्या कहते हो? हाँ, तुम सच कह रही हो? हाँ, तो फिर तुम क्या पियोगे? रम। अभी ले। मैडम, मुझे एक वाइट रम की बोतल चाहिए। मेरे साथ जो लड़की बैठी है उसका नाम डर्ली रियोस है, और वो एग्वाडा में एक पार्टी में जाने वाली है, उस पर नजर रखना, समझी? ओके। तब तक मैं उससे और इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। ये रही आपकी बोतल और ग्लास। थैंक यू सो मच, मैं फिर आऊंगा। श्योर श्योर। हे, ओके, तुम सर्व करो। ठीक है, आज की शाम हम दोनों। क्या बात है, ये तुम्हारे लिए। तुम अकेले पीते हो क्या? अकेले नहीं, किसी के साथ। तो इस बात पे चीयर्स। और क्योंकि हम मिले हैं। लगता है वो लोग तुम्हें लेने आते ही होंगे, टाइम हो गया। या फिर तुमने मुझसे झूठ कहा था? हा? सही समझे। नो, तुम्हें थोड़ा और पीना पड़ेगा। पियो पियो पियो। मजा आ रहा है। क्या हुआ, मजा नहीं आया? मजा तो आ रहा है। वैसे तुम यहीं रहते हो? वेल नो, यहाँ रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। एक जगह है, मेरे पास एक कमरा खाली है, चाहो तो वहाँ आ सकते हो। सच कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हाँ चलो। बहुत ही जल्द पूरा देश खेल के इस रोमांचक मुकाबले में शामिल हो जाएगा, और अभी अभी आई खबर के अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि अल्बर्टो भगोड़ा जूलियन डुराते, जिसे कत्ल के जुर्म में 20 साल की जेल हुई थी, वो फिर से पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। पुलिस ने लोगों से गुजारिश की है कि अगर इस मुजरिम के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो फौरन दिए गए नंबरों पर पुलिस को इन्फॉर्म करें। और आइए अब दोबारा से हम रुख करते हैं।
आप उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो आपको बार बार फोन कर रहा है। जाहिर है वो हमारे ऑपरेशन के बारे में जानना चाहता है, लेकिन अब उसे पता चल गया होगा क्योंकि न्यूज में आ रहा है। तो फिर रिकार्डो फोन क्यों कर रहा है? उसे बुरा लग रहा होगा कि हम जूलियन को पकड़ नहीं पाए। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे प्रेडिला का ही हाथ है। उसने धोखा दिया है। अब सवाल यह है कि अगर वो जेल में था और उसने ये सब नहीं किया है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कातिल कौन है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक बार सोच के देखो टॉरेस। तो रिकार्डो ने उसे झूठ बोला होगा। जूलियन यहां आने का खतरा कभी नहीं उठाता। जब वो मेरे सामने था तो पल भर के लिए मुझे लगा कि मैं उसे जाने दूं, क्योंकि यही सही होगा और मैं सच में प्रेडिला की मदद कर रहा था। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जरा इस बारे में सोचो टॉरेस। हम कब से प्रेडिला की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो अचानक जूलियन को हमारे सामने लेके आ जाता है। तुम्हें नहीं लगता कि ये इत्तेफाक थोड़ा अजीब है? आपने जूलियन को जाने दिया। मैं जानता हूं आपका निशाना कभी नहीं चूकता। वो अगर जिंदा है तो उसकी वजह आप हैं। आपको उसे नहीं मारना था। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता तो उसका आजाद रहना जरूरी है। पर ना तो जूलियन के पास दोस्त हैं और ना पैसे। हाँ बेशक, पर प्रेडिला कभी भी गलती कर सकता है। हमें उसे मौका देना चाहिए। और सच कहूं तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। यही आखिरी रास्ता बचा है। आपने बंदूक नीचे करो। मैंने कुछ नहीं किया। बंदूक नीचे करो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कैमिला। क्या बात है? न्यूज़ लीक पर मेरे कैबिन की चाबियां है। तुम जब चाहो वहां पर अपने बेटे से मिल सकते हो। रिकॉर्डो कल दोपहर को तुम मेरे बेटे को लेकर आना। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं उसे जरूर लाऊंगा। ये मेरा वादा है। जूलियन रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है, तुम भाग सकते हो? Thank you.
अस्परांजा जल्दी करो, अस्परांजा। कहाँ जाना है आपको? डेली रियोस। टाइम क्या हुआ है? बस अभी भी सुबह हुई है, क्यों क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ? बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना है। सुबह तुम कहाँ जा रही हो? अरे नहीं, मुझे अभी अभी तो निकलना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुमसे शर्त लगाई थी कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पिएगा और मैं वो जीत रहा हूँ। लो थोड़ा पियो ना। अरे पियो ना, कुछ नहीं होगा, पी लो पी लो। ठीक है, आप गाड़ी में आके बैठ जाइए, आ जाइए। बात क्या है? अगौड़ा की पार्टी में जाने के लिए वो कार वेट कर रही होगी। कौन सी कार? तुम किस कार की बात कर रही हो? अरे मुझे एक शो के लिए जाना था। शो? कौन सा शो है डर्ली? मुझे जाना है। डर्ली कौन सा शो है, मुझे कुछ तो बताओ। अरे कहाँ जा रही हो? मैं जीत गया। एक और चाल, एक और चाल। ओ भूल जाओ तुम, मैं पहले ही जीत चुका हूँ। और मैं उस लड़के से आखिर क्या कहूँगा? रोबीरो मेरी बात सुनो, जाओ उस लड़के को तैयार करो और शो के बाद तुम उसे मेरे पास लेकर आना। जल्दी जाओ। रिकॉर्डो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं तैयार हूँ। कैवेडर सैमी को स्कूल से लेने गया है। लेफ्टिनेंट से कुछ बात हुई? नहीं, मैंने उन्हें कई बार फोन किया पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। अजीब है, उन्होंने न्यूज में नहीं सुना क्या? तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। रिकॉर्डो ना, आप यहाँ कैसे हो तुम? आपने मेरा फोन नहीं उठाया वरना मैं आपके पास खुद आ जाता। लेफ्टिनेंट, जूलियन की कोई खबर मिली? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ रिकॉर्डो। तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। किस मदद की बात कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानती हो, रिकॉर्डो ने ही जूलियन को हमारे हवाले करवाया है। इनकी वजह से ही हम उस तक पहुंच पाए हैं। इनकी जानकारी बिल्कुल सही थी पर बदकिस्मती से हम उसे पकड़ नहीं पाए। तुम्हारे मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डो, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो हमें बताना, ठीक है? तो मैं चलूं? आपका शुक्रिया। शायद मुझे उसे जेल पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी है और मैं ये करके ही रहूंगा। चलता हूं मारियाना, ध्यान रखना। तुमने जूलियन को धोखा दिया, तुमने उससे बात की और मुझे बताया भी नहीं।
देखो मारियाना, मैंने ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए किया। ये चोट एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि जूलियान ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वो बुरी तरह से पागल हो गया था। सुनो मेरी बात सुनो मारियाना। मारियाना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे लगा कि वो तुम्हें और सैमी को किडनैप कर सकता है। तुम दोनों को बचाने के लिए मैंने ये सब किया। रिकार्डो, अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब सब खत्म हो चुका है। मुझे जाना है। मारियाना, तुम कहाँ जा रही हो? मारियाना, आखिर तुम्हें काम कौन देगा? और तुम्हारे ऊपर सैमुअल की जिम्मेदारी भी है। मारियाना, तुम मुझ पर निर्भर हो। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम एक घटिया इंसान हो। मारियाना, 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे बात करनी है। मारियाना, रुक जाओ। मारियाना, मारी मारी मारी, तुम ठीक हो ना? मारी, तुम ठीक तो? प्लीज जवाब दो मारी। ओ माय गॉड, एम्बुलेंस को बुलाइए प्लीज। मारियाना, तुम ठीक हो ना? मारियाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारियाना, उन्होंने जूलियन के लिए जाल बिछाया था, लेकिन रिकार्डो हाइड्रोस्फीयर की चोरी कर रहा था, और जिस शख्स ने उसे पकड़ा, इल्जाम उसी के सर पे डाल दिया। पर ल्यूटिनेंट, हम तो उसकी वाइफ की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, पर वो तो बस छानबीन कर रही थी। वो मरेगा या जेल जाएगा? चलो जूलियन की बात करते हैं। कैमिला ने आखिरी कॉल जूलियन के मोबाइल पे किया था। मान लेते हैं उसने वो चुराया और फिर ऐसा बताया जो जूलियन हमें पहले बता चुका था। फिर मेंडोजा और स्कार ने कैमिला को मार दिया। फिर मेंडोजा मेलबा को मारने गई, और फिर गवाह ने जूलियन के जरिए हमसे संपर्क करने की कोशिश की। हो सकता है इन सब के बारे में लोरेना को भी पता हो। रिकार्डो ने शायद उसे कुछ बताया हो। इसका मतलब जो जूलियन को बेगुनाह साबित कर सकती थी वो मर गई। सही कहा। या वो जेल भेजा गया हो रमीरेस की तरह, जिसने कहा कि वो बेगुनाह है, और उन्होंने चाल चल के जूलियन को जाल में फंसा दिया हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? लोरेना के साथ क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता है क्या? वेल ल्यूटेनेंट, मुझे ये पता चला कि वो उनमें से है जो बाहर निकली। रिकार्डो की प्राइवेट सेक्रेटरी होने के अलावा वो हाइड्रोस्फीयर की परचेजिंग मैनेजर भी है। रमीरेस की जगह? सही कहा। इसने तो बहुत जल्दी तरक्की कर ली। लगता है हमें उनके रिश्ते के बारे में जानना होगा। मुझे लोरेना का एड्रेस चाहिए। कैसी हो तुम? कैसी हो तुम मारियाना? मेरी बात का जवाब दो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी मारी। मारी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा भरोसा करो मारियाना, मुझसे बात करो मारियाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। प्लीज शांत हो जाओ मारियाना। मारियाना, मेरी बात तो सुनो। आप यहाँ से जाइए सर, ऐसा प्लीज आप जाइए, जल्दी आ जाओ। कहाँ है मेरा बेटा? सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए। समी कहाँ है? मुझे मेरे बेटे से मिलना है, छोड़ो मुझे। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप प्लीज।
ए, उठो ना। अरे उठ जाओ। क्या बात है? बॉस के पास जाने का वक्त आ गया। नहीं कोयोटे, मुझे माफ कर दो, पर मेरी बात याद रखना। ओके, कम से कम उससे तुम जिंदा तो रहोगी। भागने का मौका तो कभी भी मिलेगा, उम्मीद मत छोड़ना। नहीं नहीं, आ जाओ मेरी फुलझरियों, कम ऑन, आराम से आराम से, आ जाओ आ जाओ। ओके आओ। तू कौन है? डिरले, मिलकर खुशी हुई। क्या तू शोगर्ल है? हाँ शोगर्ल हूँ। आजा आजा। क्या हम सारी बातें यही करेंगे या अंदर भी जाएंगे? नहीं रे, अंदर तो जाएंगे ना। आ चल, तेरा इस फॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चल चल चल, आजा अंदर आजा। चल चल चल, बॉस तेरे को देख के लट्टू ही हो जाएगा। बेशक। अब कोयटो आएगी तेरे को लेने, वो आती ही होगी, वो देखा भी गई। इस तरफ। ये तेरे को बॉस के पसंद के माफिक तैयार करेगी। चलो। क्या तू पूल में बैठ कर ड्रिंक करेगी? चलो चलो जल्दी चलो। अरे बोल ना जान। आपकी वाइफ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। हाँ, पर इलाज के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर ने मुझे बताया। तुम क्या करने वाली हो? नींद की दवाई दे रही हूँ ताकि उन्हें आराम मिले। ऊपर वाले का शुक्र है क्योंकि इसने खुद को मारने की कोशिश की थी। हो सकता है कि ये नींद से उठने के बाद दोबारा फिर से अपने आप को मारने की कोशिश करे। ये कल तक सोती रहेंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आई लव यू मारी, सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ मारियाना, हमारा बच्चा अकेला है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मारियाना। नर्स साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसकी बहुत मदद की है। उम्मीद है कि आप इसके साथ रहेंगी। 2 घंटे और मेरी शिफ्ट बदल जाएगी। दूसरी नर्स आएगी? जी हाँ सही कहा। मैं चाहता हूँ कि आप ही इसके साथ रहें। हॉस्पिटल के बाहर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने काफी देखभाल की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं, मैं आपका आभारी रहूंगा। वैसे मैं ये काम अक्सर हॉस्पिटल से बाहर ही करती हूँ, पर मैं रुक नहीं सकती क्योंकि वो मेरी शिफ्ट की पेमेंट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, इसे रख लीजिए। आपने इसकी काफी देखभाल की है, इसीलिए मैं आपसे बाहर मिलना चाहूंगा। थैंक यू। इसका ख्याल रखिएगा। फिक्र मत कीजिए, अब आप जा सकते हैं, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। थैंक यू। तुम इतनी टेंशन में क्यों? रुको ना डार्लिंग,
नहीं, मुझे जाना होगा अभी। प्लीज मत जाओ ना। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं नहीं गई तो वो मुझे मार देंगे। मुझे वहाँ किसी तरह पहुँचना ही होगा। डर्ली, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तुम मेरे साथ क्यों चलोगे, छोड़ो। अच्छा रुको तो, आखिर बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, ये तो बताओ। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से तुम। मुझे छोड़ के मत जाओ, हम दोनों कितने मजे कर रहे थे, तुम्हें नहीं मजा आ रहा था। तो दुरांगो जितना पे करता है तुम उतना पे करोगे क्या? अच्छा तो वो तुम्हें पे करता है इसलिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। सही समझा। अच्छा ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर इतने पैसे तो है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। बताओ ना वो फार्म कहाँ है? इसी रोड पर। अच्छा पास में ही, तो फिर पैदल ही चलते हैं। पैदल चलेंगे तो कल पहुंचेंगे। अब तो मेरा पीछा छोड़ो, ठीक है, बाय। और बताओ मेरी चिकनी मुन्नी कैसी है तू, हैं? अब तो तुमने आराम कर लिया, अब तो तुम मूड में होगी। मैंने भी बहुत इंतजार किया। मेरा नाम है माइकल दुरांगो, इस इलाके का सबसे बहादुर आदमी हूं मैं, और सबसे ज्यादा ताकतवर भी। क्या आप हमेशा लड़कियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? आय हाय मेरी चिकनी, तूने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। मोहब्बत की बातें तो मैं सिर्फ लड़कियों के साथ करता हूँ, लड़कों के साथ नहीं। मेरा इशारा समझो। मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ रजामंदी से होगा, अगर तुम मान जाओगी तो। दरवाजा बंद करो और दफा हो जाओ। यस सर। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मैं उसकी तरह ढीला लड़का नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। सीधे तरीके से मेरी बात मान जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे तुम? वरना मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब क्या चाहिए तुम्हें? माफ करना बॉस, वो नजारा ने आपको पुल के पास बुला रहे है, वो सबके सामने चुनौती देने का बोल रहा है। क्या बोल रहे हो? बोल रहा था कि सैडम को भी छोड़ दो, उसे आपके साथ एक बार और शर्त लगानी है बोल रहा था। चलो देखते हैं उसको क्या चाहिए, इसे बाहर लेकर आओ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है बॉस, चल रहे, चल। देखो तुम मेरी मदद करोगे? दरवाजा बंद कर दे। बात क्या है रे, क्या चाहिए तेरे को, इतना नखरा काहे को कर रही है? मुझे कपड़े बदलने हैं। कपड़े काहे को रे? क्योंकि मैं डुरांगो की लड़की हूँ और नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसे देखे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता रे, मेरी एक मदद करोगे? चल ना। मेरी मदद करो या मैं उसे कह दूंगी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तू अपुन को धमकी दे रही है? बॉस क्या तेरे बात को यकीन कर लेगा? काट के फेंक दूंगा तेरे को, जो बोलता हूँ कर, समझ गई? चल ना। मुझे धमकाना बंद करो। चल रे अंदर जा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे फार्म में परेशान करने आए हो क्या मुझे? मुझे लगा था तुम बाथरूम गए हो, पर सच तो ये है कि तुम्हारी पैंट गीली हो गई और तुम मेरे साथ अब खेलना नहीं चाहते। जब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो आखिर शर्त लगाते ही क्यों हो, बोलो। मुझे हारने की आदत नहीं है, समझे मिस्टर दुरांगो? दुरांगो, हाँ जो भी तुम्हारा नाम है, पर तुमने मुझसे बेईमानी करके बाजी जीती है और मैं उस लड़की को वापस पा के रहूंगा, समझ गए? कबाब में हड्डी बनना तो कोई तुमसे ही सीखे बेवकूफ। तुम्हें हर चीज में टांग अड़ाने की बहुत पुरानी आदत है, इस बार भी तुमने बीच में कबाब में हड्डी बन गए। पहले तुम एक लड़की को चुनते हो, फिर तुम्हारी नजर दूसरी पे जाती है, फिर तीसरी पे जाती है, आखिर कब तक? क्या करूं रे दुरंगो, अब मुझे इस चीज की आदत हो गई है। वो सब तो ठीक है, अपनी गन जेब में रखो। डर गया क्या, गोली नहीं मारूंगा।
तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो मेरी बच्ची। आज तुम 9 साल की हो गई हो। तुम्हारे साथ ना रहने का बहुत दुख है मुझे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। चल रहे किधर टाइम? मैं आ रही हूँ। जल्दी बारा। कहाँ ना आ रही हूँ। हे तुम किधर जा रही हो? बाथरूम ढूंढ रही हूँ और कोयोटे को ढूंढ रही हूँ। ओ अच्छा। हाँ। वो उधर है। हाँ यहाँ क्या कर रही है तुम? कोयोटे को ढूंढ रही हूँ। मैं हूँ, तुम कौन हो? डियरली। तो तुम ही हो मशहूर डियरली। आओ अंदर आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या पहनना है। सिर्फ तुम ही अकेली नहीं हो, समझी ना? मत जाओ ना, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की फिर कहाँ मिलेगी। मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, मुझे और मत पकाओ। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना खाएं और उसके बाद मैं तुम्हें किसी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। मेरी बात पर भरोसा रखो, होटल भी पास में है, टाइम भी अच्छा है। हम दोनों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम क्यों नहीं समझते, मुझे अभी जाना है। देखो मैं सब समझता हूँ, लेकिन हम दोनों अगर ड्राइव पे नहीं गए तो हमारे बीच जो अच्छे पल बन सकते हैं वो खो देंगे। जाओ गाड़ी लेकर आओ। यही रहना, कहीं जाना नहीं। गाड़ी रोक लो भाई। हे दोस्त, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे प्लीज? ओके ठीक है, बाय डार्लिंग। मैं तो चला, तुम अकेले इन पलों का मजा लो। बाय। रुको, रुक जाओ अभी इसी वक्त। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? गुड मॉर्निंग। अब वो चारों कंपनी बंद कर देनी चाहिए। सारा पैसा अकाउंट में आ गया होगा। हाँ मैंने चेक कर लिया है। अपने शेयर इसमें जमा कर दिए। 30% तुम्हारा, जैसी हमारे बीच में बात हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों के बीच समझौता इससे काफी अलग था रिकार्डो, और हमने तय किया था हम आधा आधा बांट लेंगे। क्या बोल रही हो तुम? कुछ देर पहले तुम मान भी गए थे, पर मुझे तुम्हारी मक्कारी पर हैरानी नहीं हो रही है। रिकार्डो, मैं मक्कार हूँ? सिर्फ तुम्हें 25% मिलेगा और मेरा दिमाग खराब किया तो परसेंटेज कम हो जाएगा। रिकार्डो, जल्दी करो। रोबेरियो,
बॉस बुला रहा है। रोबिनियो आ रहा है। रोबिनियो कहाँ हो तुम? चल आ रहा है। रोबिनियो आ गए ले बॉस। प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है दोस्त। आइला अब मुझे मेरी मोहब्बत को छोड़ना पड़ेगा। इसे फिर से नीलामी के लिए भेजो, नहीं तो वो बेवकूफ पार्टी का पूरा मजा बर्बाद कर देगा। वो इसको हासिल करना चाहता है। जाओ उसे दूर रखो और सही मौका देखकर ही इसे लेकर आना, ताकि इसे देखकर उसका दिमाग खराब हो जाए और वो बाजी हार जाए। ठीक है बॉस। तुम हसीन ही नहीं बहुत ज्यादा हसीन हो। वैसे हम हारेंगे तो नहीं ना? सवाल ही पैदा नहीं होता बॉस। मैंने हारना कभी नहीं सीखा है। आज मैं बताऊंगा कि दांव कैसे लगाया जाता है। ठीक है बॉस। अब जाओ। चल। तुम फुलझड़ी नहीं पटाखा हो बेबी। चल जल्दी से पैक बना मेरे लिए। ये लो इसे पहन लो। मैं ये नहीं पहनूंगी। मेरी तरफ ध्यान दो, नहीं पहनोगी तो वो सजा देंगे। अच्छा बर्ताव करोगी तो यहाँ से बहुत पैसा लेकर जाओगी, समझी तुम? और इसी के लिए आई हो ना तुम? अच्छे बर्ताव से क्या मतलब? बॉस के लिए डांस करो, खासकर अब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। अच्छी लड़की के लिए यहाँ पर लड़ाई होती है, फैसला जीत पर ही होता है, इसलिए जरा संभल कर। लड़ाई होती है? इधर आओ, जरा इसे देखो, मेरी एक नई साथी से मिलवाती हूँ तुम्हें। सैमुअल मेरा बच्चा, तो मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? सैमुअल, आ, 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 आ,